हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप के बारे में। क्या होता है, जब भी हम किसी लिक्विड ड्रॉप को किसी सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में रखते हैं तो उस लिक्विड ड्रॉप का जो शेप है वो कैसा होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम इस लेक्चर के अंदर। अगेन, जब भी तुम किसी लिक्विड ड्रॉप को किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर रखते हो तो उस लिक्विड ड्रॉप का, वहां पे सॉलिड लिक्विड तो कांटेक्ट में होती है, उस लिक्विड ड्रॉप का जो शेप होगा उसके पीछे किसका हाथ है, तो उसके पीछे अगेन हाथ होगा, दैट इज व्हाट इंटरमोलिकुलर फोर्स। हम इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं बच्चों, लेकिन जिन लोगों ने मेरे को उसके ऊपर डिफिकल्टीज पूछी थी या जिन लोगों को आज भी इंटरमोलिकुलर फोर्स या कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो एक बार ध्यान से इस चीज को सुन लो मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, जब भी किसी कंटेनर के अंदर कोई फ्लूड है, लेट से हम वाटर को लेंगे जो ग्लास के अंदर है ना, एक ग्लास है हमारे पास, ओके, उस ग्लास के अंदर हम लोगों ने किसको भर दिया, वाटर को डाल दिया। अब वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक तरह का अट्रैक्शन होता है बच्चों, एंड दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज इंटरमोलिकुलर फोर्स। सेम मतलब वाटर के मॉलिक्यूल वाटर को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो एक अट्रैक्शन हुआ, साथ ही साथ में ये जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं ये ग्लास को भी पसंद करते हैं, है ना। लेकिन वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है, उस अट्रैक्शन के फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहेजन या फिर कोहेसिव फोर्स। एंड दूसरा, वाटर के मॉलिक्यूल ग्लास को भी पसंद कर रहे हैं, है ना, तो दैट इज व्हाट, वो जो वो अगेन वो भी अट्रैक्शन का ही फोर्स है, लेकिन वो दो मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट सब्सटेंस के है, इसलिए उनके बीच में का जो फोर्स है उसको हमने कहा है एडहेसिव फोर्स, है ना। किसी ने पूछा था कि भाई कौन सा फोर्स स्ट्रांग होता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, है ना। लिक्विड तुम कौन सा ले रहे हो और उसके कांटेक्ट में कौन सा सॉलिड ले रहे हो, उस पर निर्भर करेगा कि कोहेसिव फोर्स उस केस में ज्यादा है या फिर एडहेसिव फोर्स। इन दोनों फोर्सेस के अंदर सिमिलरिटी क्या क्या है कि उनका जो देखो, ये दोनों के दोनों इंटरमोलिकुलर फोर्स है, दोनों के अगर तुम कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स के बीच में कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो दोनों के दोनों इंटरमोलिकुलर फोर्स है, उसके साथ साथ में दोनों के दोनों अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्शन के फोर्स है, दोनों फोर्स के अंदर अट्रैक्शन ही होता है किसी दो मॉलिक्यूल के बीच में। लेकिन इन दोनों में फर्क यह है कि जो क्वांटिटी इन दोनों की होती है वो क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है। अब कौन सी मतलब क्वांटिटी कम या ज्यादा, यानी कौन सा फोर्स ज्यादा या कौन सा फोर्स कम होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द पेयर ऑफ दैट लिक्विड एंड सॉलिड। तुम समझ रहे हो, ओके तो क्या है कि हम लोग जब इस टॉपिक के ऊपर अभी चर्चा करेंगे शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप के ऊपर, तो इसके लिए हम लोग इसी कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं। इसके साथ साथ हमने लास्ट लेक्चर में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इस नए टर्मिनोलॉजी को भी डिस्कस किया है, उस चीज को भी हम यूज करेंगे। ठीक है, तभी हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सॉलिड सरफेस लेंगे हम लोग या एक ग्लास प्लेट लेंगे, जिस ग्लास प्लेट के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, लिक्विड ड्रॉप को रखने वाले हैं। जब तुम किसी ग्लास प्लेट के ऊपर लिक्विड ड्रॉप को डालोगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, ड्रॉ कर देता हूं एक डायग्राम, ये है मेरे पास एक ग्लास प्लेट, ठीक है, ग्लास प्लेट यानी कि ये सॉलिड सरफेस है, एक क्लीन प्लेन सॉलिड सरफेस, किससे बना हुआ है, ये ग्लास से, ठीक है, ग्लास है, यहां तुम सीधा कह सकते हो सॉलिड सरफेस है, ठीक है, सॉलिड है, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और मेरे पास, मैं इस सॉलिड सरफेस के ऊपर पुट करना चाहता हूं या प्लेस करना चाहता हूं एक छोटा सा नन्ना सा लिक्विड ड्रॉप, वाटर ड्रॉप, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो वाटर ड्रॉप मैं इसके ऊपर रख रहा हूं उसके बारे में सोचता हूं, अगर ये वाटर ड्रॉप है, ठीक है, दिस इज व्हाट, ये है वो वाटर ड्रॉपलेट। तो वाटर ड्रॉपलेट बेसिकली इस ड्रॉपलेट के अंदर बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे जिनके बीच में अट्रैक्शन का कोहेसिव फोर्स लग रहा है, मतलब कि बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल से एक ड्रॉप बना हुआ हो सकता है ना, है ना, ठीक है, छोटे 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 बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है। सो उस वाटर वाटर यानी कि दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज कौन सा बेटा, कोहेसिव फोर्स। तो मान लो ये जो ड्रॉप है, दिस इज व्हाट, ड्रॉप ऑफ अ वाटर, तो इन ये सब वाटर मॉलिक्यूल एकमेक को पसंद कर रहे हैं, ये वाला इसको, ये वाला, ये सब आपस में अट्रैक्शन का फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, उनके बीच में कौन सा फोर्स है, कोहेसिव फोर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाटर ड्रॉपलेट को छोड़ देंगे और इस ग्लास प्लेट के ऊपर मतलब रख देंगे, इस ग्लास प्लेट के ऊपर गिरेगा वो, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये इस ग्लास प्लेट के ऊपर हम डालते हैं तो इस लिक्विड के पास में, उस वाटर ड्रॉप के पास में, उस वाटर के मॉलिक्यूल के पास में दो चॉइस है, एक कि देखो जैसे ही यहां पर आएगा, एक तो वाटर वाटर के साथ कनेक्ट रहे या फिर ग्लास के साथ भी चिपक जाए, यानी कि ग्लास के ऊपर स्प्रेड हो जाए। तो जैसे ही ये वाटर का ड्रॉपलेट इस ग्लास प्लेट के ऊपर गिरता है तो ये वाटर कुछ इस तरीके से हो जाता है, समझ रहे हो तुम लोग, कुछ इस तरीके से ये ऐसे, ये वाला जो है, दिस इज व्हाट, ये पूरी तरीके से ऐसे फैल गया,
समझ रहे हो? अभी देखो पहले उसकी जो विड्थ थी या थिकनेस थी वो कैसी थी, अरे जो चौड़ाई थी उसकी वो कैसी थी, इतनी थी। लेकिन जैसे ही वो इस सॉलिड सरफेस के ऊपर गिरा, इस सॉलिड सरफेस के ऊपर गिरने के बाद उसकी चौड़ाई ऐसी बढ़ गई। क्यों? इस लिक्विड ड्रॉप के पास में ऑप्शन था कि वो साथ साथ में सब रहे। ये जो वैसे मॉलिक्यूल है ये इसके साथ कनेक्ट था ना, इनके भी ये इसको पसंद कर रहा था। लेकिन जैसे ही यहां पे आया उसके पास दूसरा भी ऑप्शन था कि वो ग्लास की तरफ जाए, तो उसने क्या पसंद किया, ग्लास की तरफ जाना पसंद किया। इसका मतलब है कि जो कोहेसिव फोर्स है वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, उस कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होता है द एडहेसिव फोर्स बिटवीन ग्लास एंड वाटर। तभी तो वाटर ने उधर जाना, ग्लास की तरफ जाना पसंद किया है। समझ रहे हो? तो इस केस में कौन सा फोर्स ज्यादा है? एडहेसिव फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। इसलिए ये जो है, ये जो तुमको दिख रहा है क्लियरली, आई होप कि तुम लोग क्लियर देख पा रहे हो इस डायग्राम के अंदर, ये लिक्विड कुछ, ये फ्लूइड, ये जो वाटर है उस सरफेस के ऊपर ऐसे फैल जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से अगर हम एक दूसरा ड्रॉप ले, दूसरे फ्लूइड का ड्रॉप ले, लेट से हम लोग ले मर्क्यूरी को, किसको लेंगे, मर्क्यूरी को। ठीक है, यह है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी ड्रॉप, और उसको भी हम लोग वैसे ही एक ग्लास प्लेट के ऊपर छोड़ देंगे, तो उनके बीच में भी मर्क्यूरी मर्क्यूरी मॉलिक्यूल के बीच में भी क्या होगा, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अरे भाई होगा नहीं होगा, हेलो होगा नहीं होगा, होगा उनके बीच में। अरे सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कोहेसिव फोर्स। अब ये जो ग्लास मर्क्यूरी मॉलिक्यूल है ये जब आके ग्लास पे रुकेगा तो इसने अपना शेप जो है कुछ ऐसे बनाया, ऐसे। समझ रहे हो तुम लोग, देख पा रहे हो डायग्राम को, ये ऐसे। तो इसके पास ऑप्शन था कि ये बिल्कुल वैसे ही फैल जाए, यानी कि ग्लास की तरफ जाए, लेकिन इसने ग्लास की तरफ जाना पसंद किया क्या, नहीं, इसने आपस में ही मिलजुल के रहना पसंद किया। मतलब कि जो कोहेसिव फोर्स है मर्क्यूरी मर्क्यूरी मॉलिक्यूल के बीच में वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द एडहेसिव फोर्स बिटवीन ग्लास मॉलिक्यूल एंड मर्क्यूरी मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई इट टेक्स द शेप दिस लाइक दिस। ठीक है, समझ रहे क्या? तो इस तरीके से ये जो है ये मर्क्यूरी का शेप हमको मिलेगा। क्लियर है क्या? अभी देखो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक टर्मिनोलॉजी को और पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। पढ़े नहीं पढ़े तुम लोग? क्या पढ़ चुके हो इसके पहले, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। किसी को याद है डेफिनेशन? डेफिनेशन तो याद नहीं की होगी तुम लोगों ने, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा है ना। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है कि जब भी कोई लिक्विड सॉलिड के कॉन्टैक्ट में आता है ना, देन टेंजेंट ड्रॉन ऑन द फ्री लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो टेंजेंट। ठीक है, टाइप पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे और सरफेस ऑफ द सॉलिड, इनके बीच में जो एंगल है उस एंगल को हमने कहा था एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। लेकिन ध्यान रहे कि एंगल किधर मेजर करना है, इनसाइड द फ्लूड, मतलब कि फ्लूड अंदर होना चाहिए उन दो सरफेस के। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं इस वाटर सरफेस को, ये है एक टेंजेंट। ठीक है, और ये जो तुमको दिख रहा है ये है बेटा सॉलिड सरफेस, ये क्या है पूरा सॉलिड सरफेस। तो बताओ इन दोनों के बीच में मैं ये वाला एंगल लू या ये वाला एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट लू, तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है हम एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा जो है ये वाला लेंगे, क्योंकि जो एंगल हमको मेजर करना है इस टेंजेंट के बीच में, ये टेंजेंट है जो सॉलिड सर्फेस के ऊपर मैंने ड्रॉ किया। ओके, तो टेंजेंट और सॉलिड सर्फेस के बीच में का एंगल ये लेंगे क्योंकि ये मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड है, ना कि ये लेंगे। ठीक है, क्योंकि इधर लिक्विड है क्या, नहीं। सेम इस केस में अगर मेरे को ड्रॉ करना है तो इस केस में हम ड्रॉ करेंगे सर्फेस को टेंजेंट कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हुई टेंजेंट ड्रॉन ऑन द फ्री लिक्विड सर्फेस, अरे भाई ये फ्री लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट ही तो ड्रॉ किए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे। ठीक है, और ये है हमारा सॉलिड सरफेस, तो एंगल ये लेंगे कि ये लेंगे, तो वो लेंगे जिसके अंदर क्या आएगा, लिक्विड आएगा, मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड। तो इस केस में एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ये होगा। क्लियर है क्या? तो मर्क्यूरी केस में जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है वो हमको अगेन यहां पर क्या मिला है, ऑब्ट्यूज मिला है, और इस केस में क्या मिला है, एक्यूट मिला है वाटर एंड दैट इज व्हाट ग्लास केस के अंदर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये लिक्विड ड्रॉप के लिए एक थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, जो कि हम स्टार्ट बोल रहे थे ना कि शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप इसके ऊपर, तो इसके लिए हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा एक लिक्विड ड्रॉप या ऐसे ही एक दोनों में से ले लो जो आसान जाए, तो हम लोगों को ये थोड़ा सा रिलायबल होगा, तो इसलिए हम लोग ऐसा एक डायग्राम बनवा लेते हैं। ठीक है, तो कंसिडर करते हैं एक लिक्विड ड्रॉप विच इज प्लेस ऑन द ग्लास प्लेट। ठीक है, तो ये है हमारे पास बच्चों एक ग्लास प्लेट, एक सेकंड ना, दिस इज व्हाट, ये एक ग्लास प्लेट है, ठीक है। इस ग्लास प्लेट के ऊपर हम लोगों ने ऐसे ये प्लेस कर दिया किसको, वाटर ड्रॉप को। तो ये क्या दिख रहा है तुमको, वाटर ड्रॉप, ये है टेंजेंट ड्रॉन ऑन द फ्री लिक्विड सरफेस। ठीक है, ओके, समझ रहा है ना सब लोगों को, ये है ग्लास प्लेट,
दिस इज व्हाट, ये जो तुमको दिख रहा है दिस इज व्हाट लिक्विड, और इधर क्या है बेटा एयर है। क्लियर है? अभी देखो इस डायग्राम के अंदर तुम लोग देख पा रहे हो कि तीन इंटरफेस फॉर्म हुआ है। व्हाट इज मीन बाय इंटरफेस? इंटरफेस इज द बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास तीन इंटरफेस फॉर्म हुए हैं। कौन कौन से इंटरफेस? दैट इज व्हाट, पहला तो है हमारे पास सॉलिड लिक्विड। ये जो है बेटा लिक्विड है ना, वाटर है ना, ये एक सॉलिड है, ये जो ग्लास दिख रहा है, ठीक है। तो पहला इंटरफेस है हमारे पास सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। पहला कौन सा है? सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक ड्रॉप कंसिडर किया वाटर का, लिक्विड का, जो कि एक प्लेट के ऊपर रखा हुआ है और वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। नाउ इंटरफेस बता रहे हैं हम लोग कितने वहां पे फॉर्म हुए। तो पहला हमने बताया कि सॉलिड लिक्विड इंटरफेस का मतलब होता है द बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम, ये है सॉलिड लिक्विड के बीच में का इंटरफेस, समझ रहे, ठीक है। दूसरा इंटरफेस कौन सा बताएंगे? लिक्विड या बताएंगे सॉलिड और एयर इंटरफेस, क्योंकि सॉलिड ने एयर के साथ भी इंटरफेस बनाया हुआ है, ये वाला सॉलिड एयर इंटरफेस, ठीक है। एंड तीसरा जो तुमको दिख रहा है दैट इज व्हाट, लिक्विड एयर इंटरफेस। तीसरा कौन सा है बच्चों? लिक्विड एयर इंटरफेस। तो तीन इंटरफेस यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। कितने इंटरफेस फॉर्म हुए हैं यहाँ पे? थ्री इंटरफेस फॉर्म हुए हैं, ठीक है। अब यह मैंने तुमको क्यों बताया, इसलिए बताया कि तुमको पता है इंटरफेस यानी कि क्या, बाउंड्री बिटवीन टू सर्फेसेस, यानी कि जैसे हम सर्फेस ही मानेंगे उसको, हम पढ़े ना मॉलिकुलर थ्योरी के टाइम पे भी पढ़े हम लोगों ने, एक कंटेनर, कंटेनर के अंदर हम लोगों ने फ्लूइड डाला हुआ है, तो फ्लूइड का जो सरफेस है वो इंटरफेस ही तो है, लिक्विड एयर इंटरफेस। तो इंटरफेस पे हमेशा क्या होता है, इंटरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास होती है बच्चों एनर्जी। क्या होती है? एनर्जी। उनके पास होती है एनर्जी, एंड दैट एनर्जी पर यूनिट एरिया, दैट पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड अ सरफेस टेंशन। तो हमेशा जो भी इंटरफेस होगा, जो भी बाउंड्री होगी दो मीडियम के बीच में, वहां पे क्या होता है? टेंशन होता है ना। अरे सरहदों पे तनाव होता है, बस वही तो बता रहा हूं कि जो बाउंड्री होती है वहां पे क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है। तो लेट से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो डायग्राम हमारे पास है इसके अंदर इस इंटरफेस पे जो सरफेस टेंशन है हम लोग थोड़ा ऐसा बनेंगे, ये जो है दैट इज व्हाट, इसको बोलेंगे हम T1। क्या बोलेंगे उसको? T1। तो T1 क्या है बच्चों, बताओ जरा मेरे को। T1 बी द सरफेस टेंशन एट सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। कहां पे बेटा? सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, कौन सा? T1। ओके, उसके बाद में यहां पे ये जो सॉलिड एयर इंटरफेस है यहां पे भी तो सरफेस टेंशन होगा, इस सरफेस पे भी तो टेंशन होगा, और उसको हम क्या लेंगे? T2। तो T2 क्या है? इट इज द सरफेस टेंशन एट कौन सा बेटा? सॉलिड एयर इंटरफेस, सॉलिड एयर इंटरफेस। नेक्स्ट बेटा हमको बताओ, दैट इज व्हाट, ए जो है लिक्विड एयर, इसके बीच में का ये जो टेंजेंट है इसको हम मानेंगे T3, दैट इज सरफेस टेंशन बिटवीन या एट लिक्विड एयर इंटरफेस। कौन सा? लिक्विड एयर इंटरफेस। क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, अभी देखो ये जो ड्रॉप तुमको दिख रहा है, ये जो डायग्राम तुमको दिख रहे हैं, इस डायग्राम के हम लोग बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। इस पर इसके ऊपर से FBD बनाएंगे, FBD के अंदर खाली वो फोर्सेस निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इसके अगर FBD तुम बनाना चाहते हो तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, या साइड में भी बना सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे बनाई इसकी FBD, ठीक है। इस FBD के अंदर क्या है कि लिक्विड ड्रॉप यहाँ पे सेंटर में होगा, ये वाला जो है टेंशन T1 द सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, इधर जो काम कर रहा है वो है T2 सरफेस टेंशन ड्यू टू सॉलिड एयर इंटरफेस, एंड तीसरा भी एक है, ओके ये वाला है ना, ओके ये इसको क्या नाम देंगे? T3। ये है बच्चों T3। तो सब लोग को पता है कि ये सॉलिड सरफेस और ये जो टेंजेंट है इसके बीच में का ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये यहाँ पे जो है ये होगा हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा, ठीक है। अब अगली स्टेप बताओ मेरे को क्या लोगे? अगली स्टेप में क्या होगा कि ये जो थीटा है, इस थीटा मतलब ये जो एंगल बनाया है इस T3 ने T1 के साथ में, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में, तो इन तीनों में से हमको T3 को करना पड़ेगा रिजॉल्व। हम रिजोल्यूशन इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। अगर T3 को तुमको रिजॉल्व करना है तो T3 के दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक वाला जो होगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो बताओ वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा और हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा? वो होगा T3 थीटा, इधर वाले साइड में T3 cos थीटा, और ये वाला कौन सा होगा वर्टिकल कंपोनेंट? T3 sin थीटा। आई होप कि तुम सब लोगों को ये याद है, ठीक है।
नाउ ये ड्रॉप जो तुमको दिख रहा है ये ड्रॉप कैसी स्टेट में है, ड्रॉप इज इन व्हाट, इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट में है मतलब इसके ऊपर ऊपर नीचे जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस है, इधर इधर मतलब लेफ्ट राइट में भी लग रहा है वो भी बैलेंस है, तभी तो वो अपनी जगह पर है। अगर अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर लग रहा होता तो वो तो जंपिंग जपांग कर रहा होता, ठीक है। तो हम ये जो इधर भी फोर्स लग रहा है इधर भी काम कर रहा है ये दोनों बैलेंस मतलब हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो T2 है, ये T2 जो फोर्स है या T2 जो सरफेस टेंशन है, ये है इन दोनों के एडिशन के या सम के बराबर हम लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं T3 cos theta प्लस ये T1 इज इक्वल टू क्या लिखो बच्चों, T2। अरे लिख सकते नहीं, लिख सकते भाई, बैलेंस कंडीशन में हम लोग ऐसा इसको लिख सकते हैं। इसके ऊपर से क्या आएगा, T3 cos theta इज इक्वल टू, इस T1 को उधर लेकर जाएंगे, इट बिकम्स T2 माइनस T1 अपॉन क्या रे बेटा, दैट इज T2 माइनस T1 लिखेंगे अभी, और नेक्स्ट स्टेप में T3 को डिवाइड में लेकर जाएंगे। तो इट बिकम्स cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन व्हाट इज दैट, T3। और ये जो तुम्हारे पास बना है बॉक्स के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द ड्रॉप। ड्रॉप जो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ओके, उसके लिए हम लोगों ने ये कंडीशन निकाली, cos थीटा इज इक्वल टू क्या, T2 माइनस T1 अपॉन T3, वेयर T2 इज द क्या है बताओ जरा, T2 इज द सरफेस टेंशन एट सॉलिड लिक्विड इंटर सॉलिड एयर इंटरफेस। तो T1 विद द सरफेस टेंशन एट सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, T1 सॉलिड लिक्विड, ठीक है, T2 That is solid air, इधर दिख रहा है तुम लोगों को, ठीक है, और उसके बाद में T3 क्या है, लिक्विड और एयर, उस तरीके से, ठीक है। अभी इस इक्विलिब्रियम कंडीशन के बाद हम लोग तीन अलग अलग केसेस के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे देखो वन बाय वन, केस नंबर वन क्या है, और हम लोगों ने इसके पहले दो ड्रॉप के शेप के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, जब हमने ग्लास प्लेट के ऊपर वाटर को रखा तब देखा हमने वाटर का जो वाटर के ड्रॉप का शेप आता है उसके ऊपर, वो भी देखा हम लोगों ने। उसके बाद में मर्क्यूरी को हमने जब ग्लास प्लेट के ऊपर रखा तो उसका भी शेप देखा हम लोगों ने, है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग अलग अलग इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले केस नंबर वन, ये केस नंबर वन देखो इसके अंदर क्या है, केस नंबर वन के अंदर हम देखते हैं कि इफ अगर ये जो T2 है, ये T2 ज्यादा है, क्योंकि देखो मैंने पहले ही कहा था कि कोहेसिव एडहेसिव फोर्स होते हैं जब भी लिक्विड सॉलिड कॉन्टेक्ट में आते हैं, लेकिन कौन सा फोर्स ज्यादा है, T2 ज्यादा है, T1 ज्यादा है, कौन किसके ऊपर कम ज्यादा, कैसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस पर निर्भर करेगा कि उस ड्रॉप का शेप कैसा है। तो हम लोग मान रहे हैं कि T2 ज्यादा है T1 से, है ना, यहां पे ले रहे हैं इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, अगर ऐसा होगा कि T2 T1 से ज्यादा होगा, देन cos थीटा विल पॉजिटिव और इज पॉजिटिव, cos थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। एक बार ध्यान रखो तुम लोग, कुछ भी वैल्यू अगर कुछ भी नंबर तुम तुम्हारे मन से यहां पे पुट करना करोगे तो तुमको अगर T2 बड़ा होगा, देखो T2 अगर बड़ा होगा तुम T1 की T3 की कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन T1 की मतलब से तुमने T1 की जो भी वैल्यू ली उससे ज्यादा वैल्यू लेने तुमको T2 की, तो T2 माइनस T1 करोगे तो ये ऊपर वाला आंसर पॉजिटिव आएगा, ऊपर वाला आंसर आएगा तो पूरा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो cos थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव। अब cos थीटा की वैल्यू तुमको पता है, सबको पता है cos थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो देखो थीटा लिखता हूं मैं, एंगल लिखता हूं यहां पे थीटा 0, 90 and 180 degree में, 0, 90 and 180 degree, ठीक है। सो और यहां पे लिखते हैं cos, यहां पे क्या लिखते हैं cos, तो cos ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, कॉस जीरो कितना आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू लिखते हैं डायरेक्टली, कॉस जीरो कितना आएगा 1, कॉस 90 कितना था 0, कॉस 180 कितना था -1। अब कॉस की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है, 0 से 90 डिग्री के बीच में, मतलब जब तुम एंगल 0 से स्टार्ट करोगे तो 90 तक जाओगे तब कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये देखो, इफ T2 इज ग्रेटर देन T1 देन कॉस थीटा इज पॉजिटिव, तो जो एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा थीटा होगा, ओके, देन थीटा विल बी एक्यूट, है ना, एक्यूट, यानी कि वो कैसा होगा, थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो जो लिक्विड ड्रॉप का शेप होगा वो शेप कैसे होगा बच्चों, ये कुछ इस तरीके से, मान लो ये है सॉलिड सरफेस और ये है लिक्विड, ये क्या है, लिक्विड तुमको दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा तुम लोगे तो ये थीटा कैसे होना चाहिए, 90 से कम ही होना चाहिए, क्लियर है क्या सब लोगों को, देखो तुम यहां से समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का शेप बनेगा जब ये केस होगी, ठीक है। केस नंबर टू देखो, केस नंबर टू में हम लेंगे इफ दैट T2, ये सब मैंने नोट्स में ऐड कर दिया, हाँ डिस्क्रिप्शन में जाके तुम नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इफ T2
इज लेस देन टी वन लिंगम. देखो यहां पे टी टू जो है वो कैसा है, टी वन से कम है, तो कॉस थीटा कैसा आएगा बच्चों, देन कॉस थीटा विल बी निगेटिव. कॉस थीटा विल बी निगेटिव. और कॉस थीटा निगेटिव की वैल्यू कब होगी, जब वेन थीटा इज बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री. तो जब थीटा 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा तभी होगा. तो इसके लिए मतलब यहाँ पे जो शेप होगा वो शेप कैसा होगा, जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो कैसा होगा, ऑब्ट्यूज होगा बच्चों. ऑब्ट्यूज के लिए ये जो है ये ऐसा एंगल होना चाहिए. इसलिए लिक्विड को खुद को कुछ ऐसे अरेंज करना पड़ेगा जो कि मर्क्यूरी की केस में हुआ था, बराबर है ना. मर्क्यूरी, ये मर्क्यूरी ड्रॉप है, तो मर्क्यूरी ड्रॉप कैसा बना था, बिल्कुल स्फेरिकल बना था. और लिक्विड जो वाटर का ड्रॉपलेट था, वाटर ड्रॉपलेट कैसा हुआ था, ऐसे फ्लैट हो गया था थोड़ा सा एज कंपेयर टू दिस. ठीक है, नेक्स्ट और एक छोटी सी केस लेते हैं. ठीक है, केस नंबर थर्ड. ओके, यहां पे लिखते हैं केस नंबर थर्ड. हमको ये बता दिया कि इफ इफ टी टू माइनस टी वन इज, ये जो टी टू माइनस टी वन है ना, ये टी टू माइनस टी वन जो है, इस टी टू माइनस टी वन इज ग्रेटर देन टी थ्री. ये क्या है, 3T से बड़ा है. तो अब सोचो तुम लोग कि ऊपर वाली वैल्यू अगर T3 से बड़ी आएंगी तो आंसर जो है वो कैसा होगा, 1 से बड़ा होगा. कैसा होगा, 1 से बड़ा. और cos थीटा की वैल्यू या cos की किसी भी एंगल की वैल्यू 1 से बड़ी है क्या, नहीं. दैट मीन्स ये केस पॉसिबल है क्या, नहीं. दैट मीन्स द वॉटर और द ड्रॉप विल नॉट फॉर्म. ओके, फॉर्म हुआ क्या, इम्पॉसिबल है ड्रॉप का बनना अगर T2 माइनस T1 की वैल्यू कैसी है, T3 से चाहता है. ठीक है, तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द शेप ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप. इस टॉपिक के अंदर तुमको करना क्या है, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर तुमको कंसिडर से लेकर, बोर्ड एग्जाम के लिए बता रहा हूं मैं, कंसिडर से लेकर पूरे पॉइंट वाइज लिखना है, डायग्राम भी बनानी है, तुमको ये FBD भी बनानी पड़ेगी, उसको रिजॉल्व भी करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को लिखना है, उसके बाद में ये जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है इसको भी तुम निकालोगे, बॉक्स करोगे, उसके बाद में ये दो तीन केसेस है, इन दो तीन केसेस को भी तुमको तुम्हारे शब्दों में एक्सप्लेन करना है. ओके, और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक नोट्स भी दे दी है, तुम उस नोट्स को डाउनलोड करके अपने नोटबुक में इसको लिख सकते हो और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है, सो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी का बाद में लेंगे. थैंक यू.